अभी से 2-3 घंटा पहले मैं फ़ोन में जब भी किसी के पास भी कॉल लगा रहा था, वहाँ पर क्या हो रहा था कि मेरा कॉल वहाँ पर कट जा रहा था, कॉल इंडेड का प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पर। जैसे ही कॉल लगा रहा था मैं, उसी समय मतलब कॉल इंड लिखकर वहाँ पर आ जाता था, कॉल अपने आप कट जाता था। 3-4 नंबर पर मैंने कॉल किया मगर कहीं कॉल नहीं लग रहा था, मगर अभी के समय में जब जहाँ भी मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पर कॉल अभी लग जा रहा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको लाइव करके भी दिखा सकता हूँ, जहाँ भी कॉल लगा रहा हूँ अभी जाकर मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो आपको भी इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, यदि आपका फ़ोन में जब भी आप किसी के पास कॉल लगा रहे हैं आपका कॉल कट जा रहा है, तो आप इस सेटिंग को कीजिए, आपका वहाँ पर उस प्रॉब्लम से आप सोल्यूशन पा जाइएगा, आपका छुटकारा मिल जाएगा, आपका कॉल इंडेड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने डायलर को ओपन करना है, वहाँ पर आपको डायल करना है। देखिए आपको डायल करना है H31H, ठीक है, H31H आपको कोड स्क्रीन पर मिल रहा होगा, उस कोड को आपको डायल कर देना है, ठीक है। इस कोड को डायल करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है आउटगोइंग कॉलर आईडी सर्विस हैज बीन डिसेबल, मतलब कॉलर आईडी जो है आपका डिसेबल हो जाएगा, कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा आपके फ़ोन में। तो सोचिएगा, जानिएगा कि आपका वहाँ पर कॉलर आईडी डिसेबल हो गया है, कॉलर आईडी के कारण भी कभी कभी आपका कॉल कट जाता है, ठीक है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके फ़ोन में कुछ सेटिंग करना है तभी जाकर आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है, जो भी सिम से आप कॉल लगा रहे हैं वहाँ पर कॉल कट रहा है। तो मान लीजिए मैं मेरे 2 नंबर से सिम से मैं कॉल लगा रहा था तो मेरा कॉल कट जा रहा था, मैं 2 नंबर पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक यूज वोल्टी का ऑप्शन होगा, इसे आपको इनेबल कर लेना है। मैं कॉल यूजिंग वाईफाई, ये भी आपको यहाँ से इनेबल करना है, या तो इसे सर्च कर सकते हैं सेटिंग में जाकर, नहीं मिल रहा होगा तो मैं कॉल यूजिंग वाईफाई, ठीक है, इसे भी आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको देखिए आप करना क्या है, मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पर इसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क पर आपको इसे ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद अब आपको अपने कस्टमर केयर से बात करना है, आपका जियो का सिम होगा तो जियो कस्टमर केयर से बात कीजिए, एयरटेल का होगा तो एयरटेल कस्टमर केयर से बात कीजिए और वहाँ पर बोलिए कि मेरे फ़ोन में कॉल इंडेड का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा कॉल जैसे ही लगाता हूँ वैसे ही मेरा कॉल कट जा रहा है, प्लीज़ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए, तो वहाँ से आपका कर दिया जाएगा। यदि इस सेटिंग से नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर से बात करके वहाँ पर शिकायत करना है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।